हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। आज की इस वीडियो में हम iOS 17.6.1 के नए स्टेबल अपडेट के लिए टॉप बेस्ट सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिन सेटिंग्स को आपको ऑन या ऑफ करना है आपके डिवाइस में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी डे टू डे रूटीन में। सो अगर आप सभी भी iOS 17.6.1 के लेटेस्ट अपडेट को यूज़ कर रहे हो तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि ये अपडेट काफ़ी देर बाद एप्पल ने रिलीज़ करा है। पहले 17.5.1 चल रहा था, उसके बाद 17.6 एप्पल ने रिलीज़ करा, और अब आपको 17.6.1 का अपडेट देखने को मिल रहा है अपने डिवाइसेस पे। सो सबसे पहली सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी आपके जनरल पे, और यहाँ पर आपको जाना है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश पे। सो गाइस, अगर आपके डिवाइस में बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश आपने ऑन कर रखा है तो ये सेटिंग बैकग्राउंड में आपकी एप्लीकेशंस को रिफ्रेश करती रहती है और काफ़ी ज़्यादा बैटरी को ये कंज्यूम कर लेती है, इसलिए ये जो ऑप्शन है आपको ऑफ ही रखना है। इसका कोई भी यहाँ पर इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बस यही है कि बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशंस रिफ्रेश होती हैं और आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं, बट ये जो ऑप्शन है आपको ऑफ रखनी है आपके डिवाइस पे। सेकंड नंबर के ऊपर आपको चले जाना है, यहाँ पर जनरल पे एयरड्रॉप के ऊपर टैप करो और ब्रिंग डिवाइस टुगेदर की ऑप्शन को ऑफ कर दो, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली कई बार ऑन हो जाती है। जैसे कि अगर आपके पास दो आईफोन्स हैं, अगर आपने पॉकेट में रखे हुए हैं या किसी फ्रेंड का आईफोन आपके नज़दीक आया है, तो आपके दोनों डिवाइसेस में एनिमेशन प्ले करेगी ये जो ऑप्शन है, और ऑटोमेटिकली एनिमेशन प्ले होने पर भी ये काफ़ी बैटरी को कंज्यूम कर लेती है, इसलिए आपको इसको भी ऑफ कर देना है। अगर मान लो आपने अपने कॉन्टैक्ट कार्ड्स को शेयर करना है एक आईफोन से दूसरे आईफोन पे, तो उस टाइम के ऊपर आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो, यूज़ करने के बाद तुरंत इसे ऑफ कर दो। थर्ड नंबर के ऊपर आपको जाना है स्टैंड बाई मोड में, स्टैंड बाई मोड को भी आपको ऑफ कर देना है। ये जो ऑप्शन है ओनली वाइल चार्जिंग ही आपको शो होती है, और कोई इसका मेजर काम नहीं है आपके आईफोन के ऊपर, इसलिए आपको भी इस ऑप्शन को ऑफ रखना है। उसके बाद बैटरी में जाना है, बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग पे जाओगे और यहाँ से आपको दोनों ऑप्शंस को ऑन कर देना है। फर्स्ट है ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, सेकंड है क्लीन एनर्जी चार्जिंग। क्लीन एनर्जी चार्जिंग आपको यूएस में देखने को मिलती है, तो करंटली मेरा जो डिवाइस है वो यूएसए का है, इसीलिए मेरे को ये ऑप्शन करंटली शो कर रहा है मेरे आईफोन XR के ऊपर। अगर आप सभी भी यूज़ कर रहे हो यूएस का कोई आईफोन तो आपको ये एडिशनल ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, वरना आपको ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को ऑन कर देना है। उसके बाद इसी के साथ ही एक एडिशनल सेटिंग है, वो भी आपको ऑन करनी है, जो कि प्राइवेसी सिक्योरिटी में जाने पर आपको लोकेशन सर्विसेज पे जाना है। यहाँ पर आपको सिस्टम सर्विसेज पे जाकर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी सिग्निफिकेंट लोकेशंस, इस ऑप्शन को ज़रूर ऑन करना। इसी के साथ ही आपका डिवाइस ये पता लगाता है कि किस टाइम के ऊपर आप अपने डिवाइस को चार्जिंग के ऊपर सेट कर रहे हो, उसी के हिसाब से ये आपके चार्जिंग को होल्ड करता है सुबह के टाइम पे। अगर आप ओवरनाइट में बैटरी को चार्ज करते हो अपने डिवाइस को, तो तब आपके लिए ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, और आपका जो डिवाइस है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज तरीके से चार्ज होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर साउंड एंड हैप्टिक्स में जाना है। आपके डिवाइस में सबसे ज़्यादा हैप्टिक्स जो हैं वो आपकी बैटरी को कंज्यूम करते हैं, इसलिए हैप्टिक्स को आपको नेवर प्ले के ऊपर सेट करना है वाइल इनकमिंग कॉल्स। उसके बाद आपको जाना है कीबोर्ड में, कीबोर्ड फीडबैक में जाओगे तो यहाँ पर अगर आप हैप्टिक्स को यूज़ कर रहे हो अपने कीबोर्ड में, हैप्टिक्स काफ़ी ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करते हैं कीबोर्ड्स में भी, इसलिए आपको इस ऑप्शन को ऑफ ही रखना है अपने डिवाइस में। उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी सिक्योरिटी में जाना है, ट्रैकिंग की ऑप्शन को ऑफ रखना है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है आपकी बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस को ट्रैक करती रहती है जब भी आप वाईफाई से कनेक्ट होते हो, इसलिए आपको इस ऑप्शन को यहाँ से ऑफ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं लोकेशन सर्विसेज पे। सो गाइज, यहाँ पर आपको उन एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करना है जो कि आप डे टू डे रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, क्योंकि जो एप्लीकेशंस आप डे टू डे रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो वो आपके लोकेशंस को यूज़ करती रहती हैं, और यहाँ पर आपको ये ग्रे कलर का एरो टॉप के ऊपर देखने को मिल जाता है जब भी कोई एप्लीकेशन आपकी लोकेशन को यूज़ कर रही है, इसलिए आपको उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके नेवर के ऊपर सेट कर देना, ताकि ये एप्लीकेशंस कभी भी आपकी लोकेशन को यूज़ ना करें और आपकी प्राइवेसी जो है वो बनी रहे। सो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो कि आपको ऑन या ऑफ करनी है आपके डिवाइस के लिए, काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल सेटिंग्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।